नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, अभी की महत्वपूर्ण खबर नगर निगम सहित संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट हम लेकर आए हैं। तो वह सारा खबर हम आपको बताएं, उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, पहले खबर नगर निगम कर्मियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। तो दोस्तों, कर्मियों को 1 अक्टूबर से मिलेगा बड़ा मानदेय। मानदेय देने के लिए सोमवार से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू। सेक्टर सुपरवाइजर को सौंपी गई घर घर कचरा वाहनों की जिम्मेवारी। नगर निगम कर्मचारियों को बढ़ा हुआ दैनिक मानदेय 1 अक्टूबर से दिया जाएगा। सोमवार को नगर निगम प्रशासन की ओर से इसकी सूचना जारी कर दी। कुशल दैनिक कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से रोजाना 450 की बजाय 490 रुपये तथा अति कुशल दैनिक कर्मचारियों को 500 रोजाना की जगह 540 रुपये दिए जाएंगे। कुशल कर्मचारियों को प्रति माह के रूप में पहले 13,601 रुपये और CTC बढ़ाकर 14,800 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह अति कुशल दैनिक कर्मचारियों को पहले प्रति माह 15,113 रुपये मिलते थे, अब यह बढ़कर 16,319 रुपये हो जाएंगे। इन कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से नए मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सोमवार को रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल को देखते हुए निगम प्रशासन ने सुबह शाम JCB से कचरा का उठाव शुरू करा दिया है। इसके लिए 80 JCB की तैनाती की गई है। 500 से अधिक डोर टू डोर कचरा उठाव वाहन भी काम पर लगाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि रात में कचरा उठाने के लिए अलग अलग टीम बना दी गई है। हड़ताल से जुड़े कुछ कर्मचारियों द्वारा मुख्य सड़क पर कचरा फेंकने की शिकायत मिल रही है। इसको लेकर थानों को अलर्ट कर दिया गया है। हर सुपरवाइजर को 1 रोज 1 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा। दैनिक सफाई कर्मचारियों के हड़ताल से शहर में कूड़े का अंबार लगा हुआ है और नगर निगम ने सोमवार को सेक्टर सुपरवाइजरों को घर घर कचरा वाहनों को चलवाने की जिम्मेवारी सौंपी है। तथा मुख्य सड़कों के साथ साथ गली मोहल्ले में कचरे का उठाव किया जा सके, इसके लिए 375 सेक्टर सुपरवाइजरों को तैनात किया गया है। शहर में किसी तरह सही तरीके से कचरा का उठाव हो सके, इसकी निगरानी के लिए प्रत्येक सुपरवाइजर को रोजाना 1 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा। तो दोस्तों, नगर निगम के संविदा पर नियोजित कर्मी जो है कि लगातार आंदोलन कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, उनको जो है कि वृद्धि की गई है मानदेय में। कुशल दैनिक कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से रोजाना 450 रुपये की जगह 490 रुपये तथा अति कुशल दैनिक कर्मचारियों को 500 रोजाना की जगह 540 रुपये दिए जाएंगे। वहीं जो है कि कुशल कर्मचारियों को प्रति माह मानदेय के रूप में 13,601 रुपये की CTC बढ़ाकर 14,880 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह अति कुशल दैनिक कर्मचारियों को पहले जो है कि प्रति माह 15,113 रुपये मिलते थे, अब यह बढ़कर 16,319 रुपये किए गए हैं। और जो है कि इसी तरह जो है कि इनके दैनिक वेतन में जो है कि वृद्धि मानदेय में किया गया है, जो कि 1 अक्टूबर से इनको मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी खबर जो है कि इस वक्त की बड़ी खबर ग्राम कचहरी सचिव के पद को लेकर जो है कि उच्च न्यायालय से आ रही है। बिहार ग्राम कचहरियों में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण ही ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चुने जा सकेंगे। बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा शर्त कर्तव्य नियमावली 2024 में ही इसका प्रावधान किया गया है। इस पर जो है कि अब न्यायालय की मुहर लग गई है और न्यायालय की मुहर लगने के बाद पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सोमवार को प्रेस बयान जारी कर कहा कि आगे भी ग्राम कचहरी सचिव के पद पर संविदा के नियोजन में शैक्षणिक योग्यता, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता लागू रहने की जानकारी दी। गौरतलब हो
कि राकेश कुमार सहित 53 अन्य पूर्व ग्राम कचहरी सचिवों ने याचिका दायर कर अपने समायोजन की मांग की थी और कहा था कि 2007 के नियमावली के मुताबिक उन्हें छूट दी जाए। पूर्व में उनकी नियुक्ति के समय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक यानी 10वीं उत्तीर्ण थी। हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया है और समायोजन पर फैसला देते हुए कहा है कि कोई छूट नहीं दी जाएगी। यहाँ जो है कि हम ग्राम कचहरी सचिव भाई बंधु जो अपने समायोजन के लिए कोर्ट का रुख किए और जो है कि हाई कोर्ट के प्रथम बेंच में उनके खिलाफ में फैसला आया है, उनको जो है कि हम एक बार सलाह देना चाहेंगे, उनको बताना चाहेंगे कि आप अपील कीजिए। पटना उच्च न्यायालय का फैसला जो है अपीलीय फैसला है, बहुत सारे मामलों में देखा जाता है और होता है। प्रभुनाथ सिंह का मामला जिसमें जो है कि उनको सिविल न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जगह बरी किया गया और जो है कि उच्चतम न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, कितना हम बताएं। केस जब लड़ते हैं तो पूरा लड़ाई लड़िए, अधूरा लड़ाई मत लड़िए। अब तो जब जीतिएगा उच्चतम न्यायालय में तो समायोजन भी होगा और यह सरकार जितना पैसा जो है कि आपको नौकरी में प्रताड़ित करने में सरकार लगा रही है वह सब जोड़कर आपको मिलेगा। तो उच्च न्यायालय के फैसले पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हमारा कहना सिर्फ इतना है कि जो है कि यह फैसला अपीलीय फैसला है, इसका अपील हो सकता है कि डबल बेंच में हाई कोर्ट में, चूँकि पंचायती राज का एक अलग सेक्शन गठित है इसलिए यहाँ तो अब होगा नहीं, जो है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए। लड़ाई लड़े हैं तो पूरी लड़ाई लड़िए और जो है कि यहाँ बता देना चाहते हैं हम आपको कि जो है नगर निगम के संविदा कर्मियों को जो है कि दैनिक मानदेय जो है कि उनके मानदेय में वृद्धि किया गया है, जिसे संबंधित खबर हमने आपको बता दिया। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे और आपको जो है कि जरूरी खबरों से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।